नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के उस 11 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस दिखाते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन। तो दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और आप लोगों के मार्क्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विद रेस्पेक्ट टू द सरोद पोर्ट्स, SARODs पोर्ट्स रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो द आंसर इज वन, टू एंड थ्री, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। दोस्तों, सरोद मतलब क्या है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इसकी अब्रिविएशन से आपको पता चल गया होगा, एक डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम है। ठीक है, सरोद पोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अनुसार ये सरोद पोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड एनरिचमेंट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जो पोर्ट्स में जो अथॉरिटी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये सबके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इसको सॉल्व करना, टाइमली सॉल्व करना इसका काम होगा। इन जनवरी 2018 यूनियन कैबिनेट चेयर बाई पीएम मोदी अप्रूव द अमेंडमेंट ऑफ मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट अंडर विच सरोद पोर्ट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। एक मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है, इसकी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और ये सरोद पोर्ट्स एस्टैब्लिश किया। अब ये मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? देखो लिखा है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स का कोर माना जाता है। देखो, ऐसे एग्रीमेंट्स बनाता है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। जितने भी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े शिपिंग इंडस्ट्री में, हाईवेज में, रेलवेज में, पोर्ट्स में, जितने भी पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है। इसको बोलते हैं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स। इसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया और ये सरोद पोर्ट वाला लॉन्च किया, राइट। एमसीए वाज डेवलप्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा तो ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। प्लानिंग डेवलपमेंट किसने डेवलप किया? प्लानिंग कमीशन। जो एसपीएल प्लानिंग कमीशन है, अभी क्या है? नीति आयोग है। क्वेश्चन नंबर टू, एवरी ईयर सितंबर 10 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुसाइड स्टैटिस्टिक्स, विच आर करेक्ट? दोस्तों, आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछने का चांस कम है, फिर भी आज की सिनेरियो को देख के, ठीक है, सुसाइडल स्टैटिस्टिक्स को देखे, ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट है। तो कोई अपना मेंस में या कोई भी एग्जाम है जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे एथिकल इश्यू, सुइसाइड प्रिवेंशन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कितने हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, वैसे हमारा स्टेटमेंट दोनों सही है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हूँ, मेन मेन पढ़ता हूँ दोस्तों। एवरी ईयर सितंबर 10 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंट सुसाइड। मेन ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट सुसाइड से, सुसाइड को प्रिवेंट करना है और मेंटल हेल्थ को बढ़ाना है। देखो दोस्तों, सुइसाइड इज द 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड मोर देन 1 मिलियन पीपल डाई बाई सुसाइड एवरी ईयर ग्लोबली। 10 लाख से ज्यादा लोग सुइसाइड करते हैं एक साल में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आप देखो दोस्तों, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू 2018 रिसर्च बे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में यही बोला कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स एनुअल फीमेल सुइसाइड्स एंड 1/4 ऑफ मेल सुइसाइड्स हैपेंस इन इंडिया। तो इतना सरप्राइजिंग नहीं है इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर भी पूरे वर्ल्ड में जितने सुइसाइड्स हो रहे हैं, उसमें फीमेल्स का 1/3 इंडिया में होता है और मेल्स का 1/4 इंडिया में हो रहा है। सुसाइड रेट्स ऑफ मेन एंड वुमेन इंडिया
वॉच हायर देन ग्लोबल एवरेजेस, ठीक है। इंडिया शेयर 17.8% ऑफ ग्लोबल सुसाइड्स, ग्लोबल सुसाइड्स का करीब 18% इंडिया में हो रहा है। रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडिया सदर्न स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड बट ऑल्सो मोर प्रोन टू सुइसाइडल डेथ्स, ठीक है। सदर्न स्टेट्स इंडिया का नॉर्थर्न स्टेट से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है और ज्यादा प्रोन भी है, ज्यादा सुइसाइडल डेथ्स सदर्न स्टेट्स में होता है। एज ग्रुप ऑफ 15 to 39 एज इज मोस्ट वल्नरेबल इंडिया, सबसे खतरनाक एज है 15 to 39 एज के बीच में ज्यादा लोग सुइसाइड करते हैं, ठीक है। आज के सिनेरियो में ये टॉपिक क्यों रिलेवेंट है आप लोगों को बताने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 3, French Rafale fighter jet was inducted into the Indian Air Force recently. Consider the following statements, which of these statements are correct? दोस्तों, Rafale का formal induction हो चुका है, कल ही हुआ था। अंबाला एयरबेस में नंबर 17 गोल्डन आरोस स्क्वाड्रन Rafale को ऑपरेट करेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी थे और फ्रांस से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और फॉर्मल इंडक्शन हो गया कल। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट लिखा हूँ दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली, इसका मतलब है स्टेटमेंट टू, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑपरेटिंग रफेल जेट्स अदर देन फ्रांस इज रॉन्ग। देखते हैं दोस्तों, डसो रफेल लिटरली मींस गस्ट ऑफ विंड। डसो कंपनी का, डसो एविएशन करके एक कंपनी है, उनका है एयरक्राफ्ट रफेल। ये मोस्ट मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, राइट। तो रफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, राइट। तो इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन लिखा हो, इसमें क्या क्या वाइड रेंज ऑफ वेपन्स है पढ़ लेना पोज करके। Rafale is the first imported fighter inducted in the Indian Air Force since the Sukhoi 30 came from Russia in 1919. Sukhoi Russia का है, Sukhoi 30 के बाद first imported fighter है, ठीक है। Rafale has been marketed for export to several countries and was selected for purchase by the Indian Air Force, Egyptian Air Force and Qatar Air Force. तो Egyptian Air Force भी है, Qatar Air Force भी है। Question number 4, which of the following countries have laws on the books carrying a penalty of death for blasphemy or apostasy? Answer is option D, 1, 2, 3 and 4. चारों कंट्रीज के पास ऐसा लॉस है, अगर blasphemy और apostasy करते हुए पकड़ा गया तो सीधा sentence to death किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं blasphemy और apostasy क्या है। blasphemy मतलब दोस्तों यही होता है, अगर भगवान या कोई prophets के against hate speech किया, कोई गलत शब्द use किया या गलत बोला, तो वो एक offense है कुछ countries में, ठीक है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऑफेंस है, पर जो पनिशमेंट है वो वेरी करता है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। दोस्तों आज ही न्यूज में आया था, पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी का ऑफेंस डाल के सेंटेंस टू डेथ करा दिया, ठीक है। अब दोस्तों पाकिस्तान में तो ये बहुत ऐसे, पाकिस्तान से तो बहुत न्यूज आया है, आसिया बीवी का कहानी आपने सुना ही होगा, और जो अहमदियन माइनॉरिटीज के साथ बहुत होता है। पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी में पकड़ा जाता है वो मैक्सिमम क्रिश्चियंस है या फिर जो माइनॉरिटी से वही है, ठीक है, जो अहमदियन से है सब। दोस्तों 71 कंट्रीज दैट क्रिमिनलाइज ब्लास्फेमी, 32 आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, ठीक है। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज मैक्सिमम में ब्लास्फेमी लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वैसे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं देखा जाएगा तो इटली में सबसे हार्ड लॉ है, 3 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अपोस्टेसी क्या होता है? अपोस्टेसी मतलब कोई रिलीजन छोड़ के जाना, ये भी एक ऑफेंस है कुछ कंट्रीज में, राइट। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन है, उनका उनका एक ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम है, तो वो इस्लाम को छोड़ के जाना भी एक ऑफेंस है। अपोस्टेसी इज ऑफन चार्ज्ड अलोंग विद ब्लास्फेमी, मतलब अपोस्टेसी का ऑफेंस अगर डाल दिया तो ब्लास्फेमी के साथ ही काउंट होता है वो, ठीक है। अब दोस्तों मलेशिया की बात, मलेशिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें। मलेशिया में वैसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, फिर भी देखो पेनाल्टीज इंक्लूड 3 इयर्स इन प्रिजन और लार्ज फाइन। वैसे मलेशिया भी एक इस्लाम नेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस्लाम है। पेनाल्टीज इंक्लूड अप टू 3 इयर्स इन प्रिजन और अ लार्ज फाइन। प्रोसिक्यूशन फॉर ब्लास्फेमी यूजुअली टारगेट दोस हू ऑफेंड इस्लाम बट एन इंसल्ट टू रिलीजन गिव राइज टू प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वही है, अगर कोई इस्लाम रिलीजन को ऑफेंड किया या कोई इंसल्ट किया, ये सब के लिए प्रोसिक्यूट करेगा। हाउएवर डेथ फॉर अपोस्टेसी लॉस remains on the books with all the chill factor and demonization of religious conversion and atheism. मतलब Malaysian book of law में apostasy या blasphemy से का offense किसी में डाल दिया तो maximum punishment दे सकता है death तक, ठीक है। तो Malaysia भी included है इसमें, वैसे ज़्यादा होते नहीं है Malaysia में। दोस्तों अब देखते हैं blasphemy laws in India. इंडिया का जो ब्लास्फेमी लॉ उसमें सबसे मेजर है दोस्तों सेक्शन 295 अल्फा ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज के सिनेरियो में
रिसेंटली जो बैंगलोर राइड्स भी हुआ था उसमें भी 295 अल्फा बहुत इम्पोज किया था. अब इट पिनलाइजेस एनी डेलिबरेट इंटेंशन ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन. ठीक है, डेलिबरेटली कोई रिलीजन को इंसल्ट किया या रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट किया ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन. ठीक है, तो ये सेक्शन 295 अल्फा के अनुसार एक ऑफेंस है. सेक्शन 295 अल्फा इज ए कॉग्निजिबल ऑफेंस, मतलब विच मींस दैट पुलिस आर ऑथराइज्ड टू अरेस्ट अक्यूज्ड पर्सन विदाउट द नीड ऑफ ए वारंट. वारंट की जरूरत नहीं है, पुलिस ऐसे ही अरेस्ट कर लेगा. ठीक है, लॉ 1927 में एक्ट किया हुआ था, इससे पहले कोई ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में नहीं था. और भी कुछ लॉज के बारे में लिखा हूँ, 124 अल्फा सो एंड सो, ये भी पढ़ लेना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट द यूनाइटेड किंगडम. आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4, मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. दोस्तों यूनाइटेड किंगडम आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ में, ब्रेक्सिट डील के चलते. ब्रेक्सिट डील के बारे में या नॉट डील ब्रेक्सिट, ये सब के बारे में आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, 9 तारीख का जो करंट अफेयर्स हर्षित ने कवर किया था उसमें अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है, वो जाके आप देख सकते हो. वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर ये ग्रीन में मिल जाएगा आपको, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड. इसमें इंग्लैंड, देखो ये जो तीनों है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ये तीनों को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, राइट. जब नॉर्थर्न आइलैंड भी इंक्लूड होते हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विद रेस्पेक्ट टू द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली. दोस्तों सेल ऑफ डीजल द मोस्ट कंज्यूम्ड फ्यूल इन द कंट्री फेल 12%. ये आज हिंदू में एक न्यूज आया हुआ है, सेल ऑफ डीजल की डिक्लाइन हुआ है कोविड-19 की वजह से ही है, क्योंकि इकोनॉमी का स्लो डाउन है, ज्यादा ट्रांसपोर्ट चला नहीं, इसलिए सेल ऑफ डीजल में कमती है, 12% की डिक्लाइन है. अब देखो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स इसमें हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन इंडिया डेट्स बैक टू 1889 वेयर फर्स्ट ऑयल डिपॉजिट्स इन द कंट्री वेयर डिस्कवर्ड इन दिगबोई. आसाम में दिगबोई में सबसे पहला डिस्कवरी हुआ था ऑयल डिपॉजिट्स का. ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना. दूसरा स्टेटमेंट हमें मिल गया, इंडिया थर्ड कंज्यूमर है, ठीक है, यूएस एंड चाइना के बाद. लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे, वेस्टर्न ऑफशोर में ही है. वेस्टर्न ऑफशोर मतलब मुंबई हाई है, इसमें मेन मुंबई है, मतलब मुंबई से थोड़ा सा सी की तरफ जो पार्ट है उधर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है इंडिया का. और मुंबई है और कृष्णा गोदावरी बेसिन मिला के 40% है इंडिया का, और आसाम में 27% है, बाकी इधर उधर है, स्प्रेड है. अब क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन इंडिया आफ्टर कोल. तो इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल से, इसके बाद क्रूड ऑयल है, इसके बाद नेचुरल गैस है, राइट. क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड. वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन ए चाइना. दोस्तों एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट अबुंडेंट मेटल एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट माइनिंग. हमें पता है बॉक्साइट माइनिंग और क्रायोलाइट माइनिंग से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है. दिस इज बिकॉज द टू मिनरल्स आर लार्ज सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम. ऑब्वियसली बॉक्साइट और क्रायोलाइट और में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है. बॉक्साइट इज प्रोसेस टू क्रिएट एल्यूमिना विच इज देन रिफाइंड टू क्रिएट एल्यूमिनियम. हम केमिस्ट्री में पढ़ा है बॉक्साइट से पहले अल्यूमिनिया क्रिएट होता है फिर उससे एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड इंडस्ट्रियल मेटल्स बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल. द सिल्वर मेटल इज नॉन टॉक्सिक एंड लाइटवेट, परफेक्ट फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेज कैंस. हमारे डेली यूज में एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बहुत है, तो हमें एल्यूमिनियम की यूज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. इट ऑल्सो हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इज कोरोशन रेसिस्टेंट एंड कैन बी ईजिली कास्ट, मशीन्ड एंड फॉर्म्ड. ठीक है, चाइना इज फर्स्ट ऑन दिस लिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ठीक है, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर वाज वंस अगेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट इन 2018. तो वैसे अभी भी चाइना ही सबसे ऊपर है. तो चाइना में जो मेन मेन कंपनीज है, देखो चालको, होंकिया ग्रुप, रुसल चाइना में है, और सिन्फा, तो ये सब मेन मेन कंपनीज है जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग है चाइना का. वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर चाइना है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक पर्व इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो क्वेश्चन सी हमें पता चले शिक्षक मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होगा. दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेस फर्स्ट वेबिनार ऑनलाइन हो रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर शिक्षा पर इनिशिएटिव. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा. एमिंग एट द डिसेमिनेशन ऑफ NEP 2020 पर्सपेक्टिव अमंग द टीचर फ्रेटर्निटी. दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, तो इसकी अवेयरनेस, इसकी डिसेमिनेशन, इसकी पर्सपेक्टिव्स तो ज़्यादा डीप तक पहुँचाना, यही सब एम कर रहा है जो शिक्षक पर्व है. ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कब से कब करेगा, 8 सितंबर से 25 सितंबर तक.
अब इंडी सिंचेरी, सिंचेरी में क्या क्या होगा? रिनाउंड स्कॉलर्स, स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस एजेंसीज लाइक एनसीईआरटी, यूनिवर्सिटीज, अवार्ड विनिंग टीचर्स, ये सब ऑनलाइन इसमें अपना प्रेजेंटेशन देंगे, राइट? दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सीक सजेशंस एंड ओपिनियन ऑफ टीचर्स ऑन वेरियस रिकमेंडेशन. तो इससे जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे, जितने भी टीचर्स आ रहे, वो सबकी रिकमेंडेशन भी ले लिया जाएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला? आंसर इज 1, 3 and 4 ओनली, मतलब मोहिनीअट्टम, कथकली एंड थेय्यम. दोस्तों ये है थेय्यम, नॉर्थ एंड केरला में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ये एक रिलीजियस आर्ट फॉर्म है. मोहिनीअट्टम केरला का स्टेट डांस भी है. इस तरह की कॉस्ट्यूम्स पहनती है लड़कियां. ये चराव डांस जो है ये मिजोरम का है, राइट? कथकली अगेन एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म है केरला का. गिद्दा पंजाबी है, पंजाबी डांस है गिद्दा. तो दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस यूपीएससीज में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको सारे स्टेट्स की आर्ट फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स सब जानना बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 एंड अ फाइनल क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किसान रेल फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू दिल्ली, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली. इसका मतलब है स्टेटमेंट 1, दिस इज कंट्रीज फर्स्ट सच ट्रेन कैरिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टुवर्ड्स डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. दोस्तों फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, ठीक है? वैसे फर्स्ट एवर किसान रेल ऑफ ये फर्स्ट एवर किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया है, ठीक है? चड्डो फ्रॉम आनंदपुर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश का आनंदपुर रेलवे स्टेशन से 322 टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू आदर्श नगर इन दिल्ली, दिल्ली तक भेजा है. आफ्टर इट वॉज वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ बाई आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश चनाबसप्पा अंगाड़ी. दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. तो जो नॉर्मल ट्रक से बेचता था, लोरी से बेचता था, अब ये ट्रेन से भेजेंगे. इसको किसान रेल बोलते हैं और ये नरेंद्र मोदी जी ने यूनियन बजट में प्रोमिस किया था, ये स्टार्ट करेंगे करके, ठीक है? और एक स्कीम आ रहा है दोस्तों, किसान उड़ान. ये क्या होगा? सेंडिंग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाई फ्लाइट, फ्लाइट से भेजा जाएगा. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से शॉर्टली शुरू करेगा, इंडिया फर्स्ट किसान रेल. हाँ, अब मैंने बोला ये फर्स्ट एवर किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया है. किसान रेल जो पहले था वो महाराष्ट्र से बिहार भेजा था, ठीक है? तो हमारा स्टेटमेंट 1 इस तरह गलत हो जाता है. फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, फर्स्ट इन साउथ इंडिया है, राइट दोस्तों? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस ये थे. उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम अटेंड कर पाए. आप लोगों के मार्क्स हर दिन जैसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, हम देखेंगे आप लोग कितने इम्प्रूव कर रहे हैं. और आप लोगों की वैल्यूबल कमेंट्स प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. और इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़.